हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। प्रजय हियर, वेलकम टू माय चैनल ई टेक। और फ्रेंड्स, आज जो है और एक नया और खास वीडियो में लेकर आया हूं, जो है बोट का एयरडोस 412। या फ्रेंड्स, तो ये वीडियो में हम लोग करेंगे इसका अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू, और देखेंगे कि ये 412 जो है वो ड्यूरिंग द गेमिंग पबजी के अंदर कैसा है, म्यूजिक के अंदर कैसा है, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो ड्राइविंग में तो ड्राइविंग में ये कैसा अंदर स्टेबल रहता है, अगर आप इसे यूज़ करने वाले हो जिम के लिए यानी कि रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, तो ये आपके इन ईयर परफेक्टली फिट होता है या नहीं होता है। सो गाइज, ये सब हम चेक करेंगे ये वीडियो के अंदर। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसका जो गिव अवे है वो स्टेप्स मैंने पूरे एक्सप्लेन किए वीडियो के एंड में, तो वहाँ पे जाके आप इसको गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या खास और यूनिक है हमारे बोट के एडोब्स 412 में। सो गाइज, हमने ये मंगवाया है अमेजोन से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी परचेज लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पे जो बॉक्स है उसके ऊपर थोड़े स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किए गए, जैसे कि 4 आवर ये सिंगल प्ले आपको देगा, और विथ हेल्प ऑफ द बॉक्स यू कैन प्ले फॉर द 16 आवर। इनबिल्ट माइक्रोफोन यहाँ पे दिया गया है। पीछे MRP लिखी है 7499 और ये है मेड इन चाइना। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो वो है ब्लूटूथ वर्जन 5.6 mm का यहाँ पे साउंड ड्राइवर है, अर्गोनोमिक डिज़ाइन है। IPX4 आपको यहाँ पे स्वेट और वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक मल्टीफंक्शन बटन। सो गाइस, इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर से हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा मैनुअल है, आप इसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा चार्जिंग बॉक्स है जिसके अंदर ईयरबड्स रखे हुए हैं। स्टैंडर्ड USB यहाँ पे चार्जिंग केबल मिल जाता है आपको। और इसके अलावा ये जो है हमारा चार्जिंग केस जिसके अंदर ईयरबड्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे 1 ईयर का वारंटी कार्ड है, और इसका थोड़ा यहाँ पे प्रमोशन इवेंट है। सो गाइज, इतना मिलता है हम एक बॉक्स में से। और अच्छी बात ये है कि जो ईयर टिप्स आती है उसके अलावा यहाँ पे ईयर ग्रिप्स भी आती है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि टिप्स के साथ आपको यहाँ पे ईयर ग्रिप्स भी मिल रही है बॉक्स के अंदर से। गाइज, अगर बात करें इसके लुक की, तो बॉक्स जो है आउटर साइड से थोड़ा मुझे बड़ा लगा कंपेयर टू अदर बोट के जो बॉक्स आते हैं चार्जिंग बॉक्स। और इसके अंदर जो ईयरबड्स है वो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन वाले लगे। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है ब्लू कलर, और जैसे आप इसे बॉक्स को ओपन करोगे ये इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, और अगर आपने प्रीवियसली कोई डिवाइस कनेक्ट किया होगा तो उससे ये कनेक्ट हो जाएंगे, या तो फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे वो चले जाएंगे पैडिंग मोड में। तो जैसे हम लोग इसे बाहर निकालेंगे ये ऑलरेडी कनेक्टेड हो गए होंगे आपके डिवाइस के साथ। यहाँ पे ग्रिपिंग जो है काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और एकदम सॉफ्ट यहाँ पे रबर यूज़ किया है। पीछे यहाँ पे मल्टी साइड फंक्शन बटन है, और यहाँ पे चार्जिंग डॉट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो गाइस, मल्टी फंक्शन बटन जो है यहाँ से आप आंसर जो है कर सकते हैं कॉल को, या तो फिर एंड कर सकते हैं कॉल। इसके अलावा अगर आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हो इससे, तो डबल टैप करोगे राइट साइड में तो वो म्यूज़िक जो है वो नेक्स्ट हो जाएगा सॉन्ग, या तो फिर अगर लेफ्ट साइड के अंदर आप उसको डबल टाइम प्रेस करोगे तो म्यूज़िक जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। इसको अगर आप 2 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो वॉइस असिस्टेंट यानी सीरी या तो फिर गूगल को एक्टिवेट कर देता है। इसकी और एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो है इसका मैग्नेटिक बॉक्स। तो गाइज, जैसे हम लोग इसको ईयरबड्स को अंदर रखेंगे ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं, और ये पॉप आउट नहीं करते फ्रॉम द बॉक्स, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर लगी। और एक अच्छी बात जो मुझे लगी वो है इसकी एंगुलर फिट। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसके अंदर 45 डिग्री की एंगुलर फिट मिल जाती है, और इसकी वजह से ये परफेक्टली इन ईयर आपके कान के अंदर वो सेट हो जाते हैं, तो ये ऐसे कुछ लगते हैं आपके इन ईयर्स के अंदर। सो गाइज, अब हम टेस्ट करते हैं कि अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग जिम या तो फिर रनिंग के लिए, तो ये इन ईयर कैसे आपके कान के अंदर स्टेबल रहेंगे, यानी वो पॉप आउट हो सकते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट या तो फिर रनिंग के टाइम पर या नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल हेडसेट के अंदर ये काफ़ी स्टेबल है और ये हिल नहीं रहे हैं। अगर हम एक्सट्रीम भी हेडसेट यहाँ पे कर लेते तो भी ये इन ईयर काफ़ी स्टेबल है ड्यू टू इट्स ग्रिप, तो मुझे ये काफ़ी पसंद लगा। इसके अलावा अगर बात करें जिम की, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये आता है IPX4 रेटिंग के साथ, यानी आप बिंदास इसे यूज़ करते हो ड्यूरिंग द रेन या तो फिर ड्यूरिंग द वर्कआउट। सो गाइज, मूविंग टू माई फेवरेट टेस्ट विच इज़ पबजी टेस्ट। सो गाइज, यहाँ पर हमने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिए ईयरफोन्स को, और यहाँ पे जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वॉइस आएगी अभी आपको ईयरफोन के अंदर से। ईयरफोन को मैंने सेट कर दिया है माइक के पास। सो गाइज, अब आप खुद ही यहाँ पे जज कर लीजिए कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है।
गाइज मेरा ये फेवरेट है क्योंकि पबजी के अंदर इसका जो लेटेंसी है वो काफ़ी अल्ट्रा लो है, ऐसा ही लगेगा जैसे आप वायर्ड ईयरफोन के साथ ही खेल रहे हो। तो मेरा पबजी एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ। सो गाइज अगर आपको भी अभी तक का वीडियो जितना भी है वो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मैं और वीडियो ऐसे आपके लिए लाता रहूँ। सो गाइज मूविंग टू आवर नेक्स्ट विच इज़ आवर कॉलिंग क्वालिटी। सो गाइज कॉलिंग क्वालिटी जो है यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी और स्टैंडर्ड लगी मेरे पे। मैंने काफ़ी यहाँ पे ईयरफोन के साथ जो है पीपल से बात की और उन्होंने मुझे ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं किया कि आपकी वॉइस जो है ठीक नहीं आ रही है, या तो उनको एक्चुअली पता नहीं चला कि वो मैं ब्लूटूथ ईयरफोन से बात कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप यूज़ करो इसे ड्राइविंग में, जैसा अगर आप फास्ट ड्राइव करते हो तो कोई जो ईयरफोन रहते हैं वो जो प्लेबैक है एक दो सेकंड के लिए वो छोड़ देते हैं, पर इसमें ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे लगा नहीं, तो ये काफ़ी अच्छे ड्राइविंग के लिए भी। सो गाइज अगर बात करें साउंड क्वालिटी की तो फ्रेंड्स यहाँ पे अमेजिंग है साउंड क्वालिटी में, और इसका जो साउंड है वो काफ़ी लाउड और क्लियर है। सो गाइज अगर बात करें सेगमेंट वाइज यहाँ पे साउंड क्वालिटी की तो मिड टोन्स और जो ट्रेबल है वो काफ़ी अच्छे और लाउड और क्लियर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और बेस इफेक्ट जो है वो भी काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है, क्योंकि जो हाई बेस वाले जो सॉन्ग रहते हैं उसके अंदर फ्रेंड्स इन ईयर ये वाइब्रेट भी थोड़ा आपको करेगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे सुनने में। और अगर आप म्यूज़िक लवर हो तो फ्रेंड्स ये काफ़ी लाउड यहाँ पे साउंड करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो लाउडनेस के हिसाब से मैं इसको 10 out of 10 रेटिंग दूंगा और ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है उसके अंदर मैं रेटिंग दूंगा यहाँ पे 9 out of 10। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हो ये काफ़ी सारे यहाँ पे जो सेगमेंट है इसमें काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप कॉलिंग क्वालिटी की बात करो, पबजी की बात करो, ड्राइविंग की बात करो, अगर जिम की इन ईयर स्टेबिलिटी की बात करो, या तो फिर आप साउंड क्वालिटी की बात करो, तो ये सभी के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। तो आप इसे 100% परचेस कर सकते हो और आप इसे कंसिडर कर सकते हो। सो गाइज ये था मेरा ओपिनियन अबाउट बोट एडोस 412। सो गाइज मूविंग टू गिव अवे, तो गिव अवे के लिए आपको सिर्फ 2 स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। स्टेप वन नंबर 1 जो है वो है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जाके बताना है कि बोट एडोस 412 में क्या यूनिक है। और सेकंड स्टेप जो है वो है हमारा इंस्टाग्राम। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला है गिव अवे का, जिसका आपको लिंक आईडी जो है वो मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वो पोस्ट के ऊपर जाना है, उसके अंदर आपको 5 फ्रेंड्स जो है उनको टैग करना है और हमें फॉलो करना है। सो गाइज एकदम ईजी है और ये मिल सकते हैं आपको गिव अवे के थ्रू। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।